क्या आपको भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि जब भी आप ना कोई भी बुफोन बनाते हो तो उसमें आप 5, 6, 7, 8, 10 बपपिन डालते हो, फिर भी वो बुफोन का ना फिटिंग अच्छा नहीं होता है, लूज हो जाता है या फिर लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। सो एवरीवन, ये रील को आप एंड तक जरूर देखिएगा, यहाँ पे आपको ना रोज नए नए टिप्स मिलने वाले हैं। सो एवरीवन, आपके पास ना आपकी वैनिटी में ना मिनिमम 3 टाइप के बपपिन्स होने चाहिए। मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ 3 टाइप के बपपिन्स, देखो स्मॉल, मीडियम एंड बिग। ये 3 टाइप के बपपिन कंपल्सरी आपकी वैनिटी में होने चाहिए। जब भी आप ना कोई भी बपपिन परचेज करने जाओ तो आपको 3 चीजों को ध्यान में रख के बपपिन को पसंद करना है। एक ना, जब भी आप बपपिन को पसंद करो या फिर परचेज करो, रोज बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। देखो ये बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग है, उसकी जो पकड़ है ना बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग होनी चाहिए। सेकेंड ना, ऑलवेज जब भी आप ना बपपिन परचेज करो तो ऑलवेज आपको ना जिगजैग वाली बपपिन पसंद करनी है। एंड थर्ड वन है, जिगजैग वाली बपपिन से क्या होता है, उसका जो फिटिंग है ना वो बहुत ही अच्छे से स्ट्रांगली लॉक हो जाता है। एंड थर्ड आता है, आपको ऑलवेज डॉटेड बपपिन ही चूज करना है। जब भी आप ना कोई भी बपपिन लो ना, वो डॉटेड क्यों होनी चाहिए, बिकॉज आपको ना क्लाइंट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्लाइंट को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल भी चुभना नहीं चाहिए। तो 3 चीजों को ध्यान में रख के अगर आप ना बपपिन को परचेज करोगे तो आपको ना मिनिमम 2 या 3 बपपिन में ही बहुत ही अच्छे से आपका बुफोन ना लॉक हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये टिप्स ना पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, कमेंट करना, और भी अगर आपको कोई डाउट्स है, क्वेरी है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।